नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं और उनका ये दौरा तूफानी है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज इटावा सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद अयोध्या में भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद सीतापुर जाएंगे और सीतापुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद शाम 5 बजे अयोध्या में मेगा रोड शो करेंगे। और आपको बता चले कि जन्मभूमि पथ से सुग्रीव पथ तक उनका ये रोड शो है, 2 किलोमीटर का भव्य रोड शो होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या पहुंच रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और पीएम मोदी के इस रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस रोड से या फिर जिस जगह से पीएम मोदी का ये काफिला गुजरेगा, वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। महिलाएं पीएम मोदी की आरती उतारती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा बात कर ले अगर तैयारी की, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे, तो वो भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन करने के बाद वो ये मेगा रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, अयोध्या से पहले इटावा सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 3रे चरण का मतदान मंगलवार को होना है, यानी कि 7 मई को 3रे चरण का मतदान होगा, जिसमें यूपी की 10 सीटें शामिल है। इटावा हो या फिर हम बात कर ले अन्य जिलों की, जिसमें आंवला, इटावापुर, मैनपुरी, ये तमाम वो जगह है जहां पर 3रे चरण में मतदान होगा। और इसे लेकर जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा, आप देख रहे होंगे कि जमीन पर पसीना बहाते हुए नजर आ रही है, एटा भी है। और इस तरह से यूपी की 10 जिलों में 7 मई को मतदान होना है। और मतदान से पहले जिस तरह से पीएम मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, वो लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी बीजेपी के लिए कितना जरूरी है कि कल भी पीएम मोदी यूपी के दौरे पर थे, कानपुर में भव्य रोड शो करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में कानपुर की जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए और आज भी भव्य रोड शो करने वाले हैं पीएम मोदी। और पीएम मोदी के इस भव्य रोड शो को और भी ज्यादा अत्यधिक भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और शासन प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये बड़ी बात कि प्राण प्रतिष्ठा, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे। और पीएम मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए अयोध्या वासी आतुर नजर आ रहे हैं। अयोध्या वासी पीएम मोदी के आगमन के और उनके स्वागत के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात ये भी है कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में रोड शो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतिहास के जब पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास के पन्ने पलटने पर आप देखेंगे कि अभी तक, जैसा विशेषज्ञ भी मानते हैं और कहा भी जाता है, कि कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में उन्होंने रोड शो नहीं किया। पीएम मोदी यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में रोड शो करते हुए नजर आते हैं और अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ये 5वीं बार है जब वो अयोध्या के दौरे पर हैं। और किस तरह से उन्होंने अयोध्या की तस्वीर बदली है, उस तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर को भी वो व्याख्यायित करते हैं, जब भी संबोधित करते हैं तो अपने संबोधन में अयोध्या का जिक्र हमेशा करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से न केवल उनके संबोधन में बल्कि उनकी कार्यों में भी अयोध्या पहली प्राथमिकता हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। और अयोध्या की इस तस्वीर को बदलने में जिस तरह से काम बीजेपी की ओर से किया गया है, उस काम को भी पीएम मोदी गिनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज की तस्वीर भी बहुत ही अलग होने वाली है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पीएम मोदी आज
अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे। 2 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और इस 2 किलोमीटर के लंबे रोड शो को पीएम मोदी बड़े ही इत्मीनान से जनता से मिलते हुए और मौन अवस्था में संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस रोड शो से पहले पीएम मोदी कई जिलों का दौरा करेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद नजर आएंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं और हिमांशु पुरी हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। रुक कर लेती हूं पहले हिमांशु पुरी, आपका सीतापुर में आज पीएम मोदी का आगमन है, क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है, कहां पर इस जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना? सीतापुर में आज पीएम मोदी की रैली है और लगभग 4 बजे का समय सीतापुर के हर गांव क्षेत्र में इस रैली का बताया जा रहा है। बात अगर तैयारियों की करें तो 1 हफ्ते से अधिक समय से यहां तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहां पर पीएम मोदी 4 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे जिसमें सीतापुर के अलावा लखीमपुर, मिश्रिख और धौरहरा इलाके हैं। वहीं अगर तैयारियों की फिर से बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने इस रूट को पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दिया गया है। जिन लोगों को पासेज अलाउ हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हों या मीडिया हों, उन्हीं को आज सीतापुर से हर गांव के रास्ते पर जाने दिया जाएगा। जिन लोगों को सीतापुर से लखीमपुर जाना है वो वाया लहर के आज उनको भेजा जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के सूत्र बताते हैं तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों को इस रैली में लाने की तैयारी की गई है। तो कुल मिला के ये एक बेहद भव्य आयोजन है, पीएम मोदी का ये एक बड़ा आयोजन है और पहली बार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जैसी कोई शख्सियत सीतापुर के खरगांव जैसे छोटे कस्बे में पहुंच रही है और यहीं से वो एक बड़े पैमाने पर 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें 4 उनके लोकसभा के प्रत्याशी होंगे और बड़ी पैमाने पर यहाँ पे विधायकों का जमावड़ा होगा, बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा होगा जो कि कई दिनों से हर गांव में डटे हुए। बिल्कुल। और हिमांशु, बात जैसा कि आपने बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पीएम मोदी के इस जनसभा से, पीएम मोदी के इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा सीतापुर और आसपास के जिलों में? जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी इलाके में रैली करते हैं या दौरा करते हैं, रोड शो करते हैं, तो अपने आप चुनाव का जो माहौल है वो थोड़ी देर बाद ही वहां से बदलने लगता है और उसके नतीजे जो कि जिस दिन वोट होता है और जब परिणाम निकलते हैं अपने आप बदलते हुए देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। लगातार पीएम मोदी जिन बातों को अन्य सभाओं में बोल रहे हैं तो माना जा रहा वही चीजें फिर से सुनने को मिलेंगी, लेकिन जब पब्लिक सीधे पीएम से कनेक्ट होती है तो वो उसका असर बहुत तेज होता है। जैसे कि यहाँ पे भी वो धारा 370 से जुड़ी हुई बातें सामने आ सकती हैं, इसके अलावा ट्रिपल तलाक खत्म करने के मुद्दे आ सकते हैं, जो लगातार कोविड के समय से अब तक जो घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था है, शौचालय आवास देने की जो बड़ी योजनाएं हैं और जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं, तो कुल मिला के इन सब चीजों को जनता के सामने एक बार फिर पीएम रखेंगे और प्रधानमंत्री की जब ये बातें मंच से लोगों के सामने पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पे एक बड़ा असर देखने को मिलेगा और जो कि पहले भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हिमांशु पुरी जरा ये भी बताइए कि कितने रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो आम जनता है, जो सीतापुर की जनता है, उन्हें परेशान ना होना पड़े, ये भी जरा जानकारी साझा करिए। देखिए, जो सीतापुर से लखीमपुर का स्टेट हाईवे है आज वो आम पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। लखीमपुर से जिन लोगों को सीतापुर वाया लखनऊ की तरफ जाना है वो लखीमपुर से, एक लहरपुर का एक इलाका सीतापुर में पड़ता है, वो लहरपुर से होते हुए या तो सीतापुर आए या फिर बिस्वा होते हुए लखनऊ जाए। इसी तरीके से जो लोग लखनऊ या अन्य जगहों से सीतापुर के जरिए लखीमपुर जा रहे हैं उनको भी आज हर गांव का जो स्टेट हाईवे है वो वहां पे बैन मिलेगा, वहां पे उनका आवागमन बाधित रहेगा, क्योंकि
जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, नेताओं की भीड़ है, अधिकारियों की गाड़ियां हैं। बताया जा रहा है कि सीतापुर शहर और लखीमपुर शहर से कोई होटल नहीं बचे जिनमें अधिकारियों की जो कई दिनों से वहां पे जी चहलकदमी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आज कहां तक रूट डाइवर्ट होगा ताकि जनता परेशान ना हो और वो जो है कि उनका आवागमन आराम से हो सके।